अब मैं आपको सीधा मिलूंगा आरकी पौड़ी पे, वहाँ का वीडियो दिखाता हूँ रात के टाइम का 1 बजे का कि कैसा नज़ारा है। और रात के टाइम वैसे भी वो फ्लो ज़्यादा होता है शायद, ये तो सबको पता है शायद। तो गाइज अब हम आ चुके हैं हरकी पौड़ी पे रात के 1 बजे, अभी धूप भी है, 2 बजने वाले हैं, तो 2 बजे के अराउंड आ चुके हैं। तो ये देखो ये कितना सुनसान है एकदम, और ये मंथ है अगस्त, अगस्त का मंथ है। हर हर गंगे, अरे यहाँ यहाँ चलते ना पुल पे होते हुए। तो गाइज ये है हरपी हरकी पौड़ी का नज़ारा, ये है गंगा, मतलब लोग नहा रहे हैं अभी भी यहाँ पर। गाइस ये है देखिए रात में गंगा का नज़ारा। मैं चाहता तुम फील कर पाते इस मोमेंट को, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और ये गंगा मैया बह रही है यहाँ पर। लेकिन पता है पानी मटीला पानी हो रखा है, बहुत गंदा पानी हो रखा है। ये देखिए इसका पानी मटीला हो रखा है इस टाइम यार, काफ़ी भीड़ तो नहीं है लेकिन है पानी है। छह गंगा भैया। तो हमारे उसमें एक योद्धा बंदा है जो यहाँ से जंप लगाएगा सुबह को, और उसका नाम है शानू। शानू तुम सुबह यहाँ से कूदोगे ना? नहीं डर लग रहा है। नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये सुबह एक बार कूद चुका है यहाँ से। अरे उधर भी पानी है, उधर भी योद्धा तुम यहाँ से जंप लगाओगे ना सुबह? तो देखिए ये बंदा यहाँ से जंप लगाएगा सुबह। इस बंदे को कुदाएंगे हम यहाँ से। शानू यहाँ से जंप लगाएगा ना, एक बार ऑडियंस को बोल दे। हाँ हाँ, तो ये शानू बोल रहा है यहाँ से जंप लगाएगा। कहाँ से लगाओगे शानू? कहीं से भी लगा दूंगा। तो सानू मौत का खेल खेलने जा रहे हैं हमारे बीच में। यहाँ है पानी, तो चलो नीचे चलते हैं। वो आपको नीचे का नज़ारा दिखाते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे। पानी बहुत ऊपर तक है यहाँ तो कम लग रहा है, तुम देख रहे हो? अरे कुछ भी नहीं है, पूरी तीनों प्लेट डूब जाती है। ये रेतीला पानी आ रखा है इस टाइम। फोटो है वो। तो गाइस देखिए हम ये हरकी पौड़ी में पहुंच गए हैं, आपको ये दिख रही होगी। ये देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे पानी का बहाव है, वेव की आवाज़ आप सुन सकते हैं। देखिए देखिए आप वहाँ तक भी देखिए गाइस। सो हम कल सुबह यहाँ पे गंगा स्नान के लिए आने वाले हैं, अभी तो फिलहाल हम ऐसी नज़ारे के लिए आए हैं। तो ये देखिए और यहाँ की सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ की फीलिंग अलग है, बहुत ही अलग। मतलब तुम अगर कुछ टेंशन में हो और तुम यहाँ बैठ जाओ ना तो सब टेंशन गायब। और गाइस पानी इतना चिल्ड है कि मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि दिल्ली में इतनी गर्मी है, इतनी कड़ाके की गर्मी है। यहाँ पानी बहुत कूल है, बस थोड़ा सा जो है वो अभी बारिश की वजह से पानी जो है मटमैला हो चुका है, तो उसका कलर आपको थोड़ा सा ब्राउनिश दिखेगा, बट बहुत ही ज्यादा। मतलब आओ
जब आओ तो प्लीज यहाँ से नीचे मतलब बहुत ही आराम से जाना, क्योंकि सीढ़ी बहुत फिसलन है, बहुत ही जाना जो है। अपने पैरों को और हाथों को इस पानी से धोया है, बट कल सुबह हम इस जगह पे गंगा स्नान के लिए आएंगे। सो गाइज प्लीज आप भी इस टाइम आइए, गर्मी अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो प्लीज आप हरिद्वार आइए और यहाँ के स्नान कीजिए। सावन चल रहे हैं तो आपका मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज गाइज मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। ओके तो गाइज जैसे कि आपको हमारा ब्रीफ में हिमानी ने और काने बता दिया है यहाँ के बारे में कि कहाँ कहाँ हमने प्रिकॉशन लेना है और कहाँ कहाँ क्या लेना है। तो और ये अभी टाइमिंग मैं बता दूँ 2 बज रहे हैं, 2 बजे के टाइम है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो स्नान कर रहे हैं लेकिन मोस्टली ये खाली पड़ा है गाइस। लेकिन मैं आपको एक चीज़ में अलर्ट करना चाहूँगी, सो क्योंकि यहाँ पर ना कोई भी रिस्क वाला काम ना नहीं करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टंट है और बहुत ही ज़्यादा बहाव है पानी का। सो आप सब आइए, डुबकी लगाइए और जो भी है स्नान। और आपको जैसे कि फ्री माइंड अगर कभी भी आना है तो रात को आओ तो अलग ही दिन है। जैसे कि मॉर्निंग में आओ तो बहुत पीस है, नाइट में बहुत ज्यादा शांति है यहाँ पे, तो आप इसी टाइम आओ, एक यही बेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी पे नहाने के लिए। वहाँ पर स्नान करने के बाद फिर हम जाएंगे, फिर हम वापस आएंगे। और इन्होंने क्या प्लान करा है, सारे बिना स्लीपर्स के जा रहे हैं सभी लोग, चप्पल नहीं लिया है इन्होंने किसी ने भी। और जैसे जा रहे हैं मौसम तो अच्छा है खुला। अरे साइड हो जा, मौसम तो अच्छा है खुला खुला सा, बस सो रखा है, धूप निकली है और मैं तन क्या हो सकता हूँ। तो ये हरिद्वार का रेस्ट है यहाँ हमारा क्या टाइम। अरे 6 लोग हैं यार, कैसे ये जाएगा 10 रुपये में हर की पौड़ी, कितने रुपये लोगे? 20 रुपये पौड़ी, 15 रुपये तो दी सभी। तो यहाँ पर अंधी लूट है, हम हर की पौड़ी के 1 किलोमीटर के पूछ ले, 20 रुपये ले रहे हैं। 20 रुपये। तो हरिद्वार का सुबह सुबह का रश है देखिए। दूर है काफ़ी, तो हम रिश्ते का दूर करते हैं कितने रहेंगे, 1.5 किलोमीटर का है। 6 लोग हैं अंकल, हमारा रिक्शा हो गया है अपनी बॉडी के लिए। हम्पी अपनी मधुर आवाज से जाने सानू। तो फाइनली ऑटो से पहुंच चुके हैं हम हर की पौड़ी पे। तो अलका थोड़ा इरिटेट हो गई है गाइस, ये तुम्हें बहुत इरिटेट करता होगा ब्लॉग में यही बोल बोल के। देखिए गाइस मैं चाहता हूँ तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन, ऐसे नहीं होता, कैसे होता है गाइस। मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचे ताकि तुम भटको ना हरिद्वार आके, जैसे हम भटक रहे हैं। हम कम से कम 24 घंटे से चल रहे हैं हम लोग, रिक्शे वाले ने बहुत दूर उतार दिया हमें। तो गाइस हम हर की पौड़ी पे आ गए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मार्केट लगी हुई है, यहाँ पर ये इसका द्वार है। एक्चुअली रिक्शे वाला हमें घुमा के लेके आ गया पूरा, जबकि सामने से तो थोड़ा वॉकिंग थोड़ा जल्दी देर हो गया है। मुद्दे पे गुद्दा बताओ ना, मुद्दा कौन सा मुद्दा। तो गाइस अलका हमें मुद्दा बताने वाली है, कौन सा मुद्दा। तो ये हर की पौड़ी का नजारा है, तो भी आप देख रहे हो। और ये रही हमारी गंगे मैया, हर हर गंगे, ये रही गंगे।
उधर होती है उस साइड, हम लेट हो गए, फिर पूछा था मैंने जाना हो जानाओगे रस्सी वाली जाना होगी, आगे चले और हमने यहाँ डिसाइड करा है नानी की जगह था। तो ये टास्क करने जा रहे हैं कौन सबसे ज्यादा देर का पानी में रहता है, कल बाहर आता है ठीक है। एक तो हमारा स्नान हो गया है, तो हम नहा के आ गए हैं के बाद आ गए हैं ऊपर। अब अभी हम कोई यहाँ पे जस्ट स्विमिंग के लिए हम जैसे गए थे वैसे ही वापस हाँ अपने होटल में जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम गीले गीले हैं पूरी तरीके से। अब वहाँ से हम फिर से रेडी होके माता के मंदिर जाना ऊपर, मनसा देवी के मंदिर ऊपर है ऊपर की साइड, वहाँ पर आपको दिखा देते हैं दिख रहा है, आपको भी दर्शन अपने आपको दिखाता हूँ किस मंदिर जाने है। वो है वो मंदिर देख रहे हो आप एकदम टॉप पर, वहाँ जाने है। दिखा देंगे ना यार, दो दो वीडियो में डालूंगा ना, दस दस मिनट के शॉर्ट करके। जो अंग्रेज लोग आते हैं वो जरूर देखते हैं। किस चीज की खुशबू रही, किस भी हमें बहुत अच्छी चाय तो मुझे लग रहा है यहाँ की सबकी अच्छी होगी, देखो समझ पड़ा। तो गाइस अब हम जा रहे हैं हरिद्वार के लिए, ये नेक्स्ट ट्रिप हो रखा है हमारा, मनसा देवी में के यहाँ जा रहे हैं अभी हम। तो ये भाई हमें वहाँ से छोड़ेंगे, भाई अपने नाम बता दो केश कुमार। तो कहाँ तक जाएंगे अभी हम, कहाँ तक जाएंगे वहाँ पर, हम आपको वहाँ तक छोड़ देंगे मनसा देवी जहाँ से पैदल की चढ़ाई। तो कितने रुपये लगता है? तो अब हम मनसा देवी के लिए जाने वाले हैं, यहाँ पर टिकट होने वाला 20 रुपये। तो गाइस जब मनसा देवी के लिए निकल रहे हैं तो अंकल ने हमारे लिए छोले भटूरे तैयार करें, ये देख लो। अरे हमारा रिक्शा खड़ा हुआ है यहाँ पर, पूरी गैंग आई है। हाँ एक सूखा है एक गीला है। टेस्ट अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है। खाया आपने? अभी राकेश ने खाया भी नहीं और बिना बोले। हाँ ये ऐसे दे दो अंकल, खा लेंगे हम जाते जाते। तो राकेश खाया तूने? हाँ मैंने खाया, बहुत अच्छा, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। देखने में जो चीज़ अच्छी लगती है अंदर से कड़वी भी बहुत होती है। अंकल ने बड़ी अच्छी तरीके से हमें छोले और भटूरे तैयार करके दिए हैं, धन्यवाद अंकल आपका, खाने में बड़ा मज़ा आ गया। अच्छा लगा आपको ये बहुत है। अच्छा कोई ऐसे वो भी मिलता है यहाँ पर मसालेदार, जो कहते हैं कि गले वले को भी सही कर देता है? सही होता है ये, गले को सही कर देता है यही वाला। हाँ दो चम्मच और लो तुम अपने, मतलब गले वले को साफ कर देते हैं ना, मलगम वगैरह जो आता है, जीरा कीरा सब पड़ा हुआ है, बहुत टेस्टी होता है। एक चम्मच देना, एक और चम्मच, दो चम्मच और दो चम्मच देना।
ब्रेडिट होता ना ये? हाँ ब्रेड होता है। अब बैठ जा इससे, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है इसमें, सूजी मैदा मिक्स होता है। कहाँ बैठूँ? आगे बैठ जाओ, आगे आगे आ जाओ। तो कम से कम खाओ ना, है ना हमारे पास। अरे तुम खाओ ना, आगे लिया क्यों फिर तू? मैं नहीं खाऊंगा। हाँ पीछे बैठ जाओ, अंकल अंकल नाम बताओ अपना, नाम क्या है? भोला सिंह। भोला सिंह, धन्यवाद अंकल, मजा आ गया। तो अंकल ने अभी हमें छोड़ दिया। तो ये रास्ता जाता है मनसा देवी के लिए जहाँ हम अभी जा रहे हैं, और यहाँ तक रिक्शा हमें छोड़ के आया था अभी, यहाँ तक छोड़ के चले गए हैं। और यहाँ से शायद वॉकिंग डिस्टेंस है, हमें जाना होगा मनसा देवी के लिए। अभी नहीं, तो भाई यहाँ से अभी हम चढ़ाई कर रहे हैं। बस एक 50 का ले लेते, बस एक जना वो कह रहे ऊपर 100 का मिलेगा, तो 50 पर कौन से नहीं होगा ना। अच्छा ये रेंटेड स्कूटी मिलती है क्या यहाँ पे? अब नहीं मिलती, बच्चा पहले मिलती। यार कोल्ड ड्रिंक सिकंजी ले ले, शानू इधर मत ले लो, कोल्ड ड्रिंक से पेट भर जाए। कोल्ड ड्रिंक सिकंजी फिरंजी सी ले ले यार। नींबू पानी ले लेते यार, नींबू पानी मिलाएगा भैया, एक नींबू पानी। की कहानी क्या, कुछ बताओगे स्टोरी वगैरह, ताकि लोग ज़्यादा आता आए और ज़्यादा आए। बड़े भैया बता सकते हैं, मेरे को नॉलेज नहीं है या मम्मी बताएगी। फिर भी थोड़ा बहुत तो पता होगा क्योंकि आप यहाँ के लोकल हो। हाँ तो आप तो अभी आए थे ना। अच्छा अंकल को पता होगा, तो आपने कभी जानने की कोशिश नहीं करी है? तूने कभी कोशिश नहीं करी? कोशिश कर रहा हूँ, यही सवाल मैं तुझसे पूछ रही हूँ। वही उनकी एज होगी, वही तेरी एज है। हाँ तो तूने पहले कभी नहीं हुआ आज तक इतना बारिश में, बहुत हो गया नुकसान। आगे का रास्ता पूरा खत्म हो गया, आगे ऊपर का। हाँ प्लेन वाले से जा सकते हो, पहले लास्ट तक गाड़ी चली जाती थी, गाड़ी का रास्ता खत्म हो गया। जस्ट बगल में ही नीचे बस्ती बैठी थी, निका रास्ता वगैरह सारा ब्लॉक हो गया। अच्छा आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, इन्हें घूम के आना पड़ता, बहुत लंबा लगी बड़ी बच्चे घूम के आना पड़ता। वहाँ दुकानें वकानें सब बेकार है, सब समस्या, मतलब बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। ये बारिश की वजह से तो कंटिन्यूली बारिश पड़ी है, 3-4 मतलब ये पूरा सावन ही बारिश ने घेर रखा। हाँ इस बार सावन पूरा कंटिन्यू बारिश थी, पूरा सावन बारिश पड़ी है, पूरा सावन बंद ही नहीं हुई है। वो बंद हल्की पड़ी थी, ये तो रुक रुक के पड़ रही है, तो नॉन स्टॉप सी सावन, नॉन स्टॉप धीरे तेज धीरे तेज धीरे तेज, तो ये धीरे धीरे हमारे सामने तो सारा गिर रहा है। ये बगल में ये देखा होगा आपने, ये पेड़ झुक गया सामने सामने, उसी दिन ही बारिश बंद हो गई थी शनिवार। ये बहुत समस्या है ना। चलो भैया आपका नाम क्या, नाम बता दो। मेरा नाम सूरज। सूरज, तो सूरज भैया से बात करके हमें अच्छा लगा, ऐसे इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे और थैंक यू भैया। थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद हम जा रहे हैं आगे फिर से मनसा देवी मंदिर की चढ़ाई करने। वहाँ जा रहे हैं सानू, राकेश मंदिर दिखा, कहाँ है? बोरा बोरा ये रहा। अच्छा गाइस हमें वहाँ जाना है, देखो मैं दिखाता हूँ, ये इनके और हम देखो हमारे दोस्त हैं, और ये सारे दोस्त हैं, और कम से कम ये रूट पड़ेगा आपको 15-20 मिनट पड़ेगा बाय वॉक करके अगर आप जाओगे तो। भैया से बात करी थी, उन्होंने बताया तो गाइस ये देखिए अभी बारिश के मौसम में यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी बुरी तरीके से, ये अभी पूरा रास्ता क्लीन करा है हाल ही में, तो भी देखिए पानी वानी आ रखा है यहाँ पर, ये देखिए ये पूरी लैंडस्लाइड है, और ये देखिए बंदे थक के हार के रोड पर लेटे हुए हैं, सब हालत ऐसे हो गया रोड पे लेटे हुए। क्या हो गया इनको रोड पे लेटे हुए?
देखिए केबल कार भी जाती है यहाँ पर। अभी और ऊपर जाना है हमें। तो वैसे ये एंट्री द्वार है यहाँ से, एक तो वो था और ये दूसरा है जहाँ से हमारी एंट्री हो रखी है। इस टाइम हम जा रहे हैं अभी आगे की साइड, ये द्वार बना रखा है, ये माता का द्वार, मनसा देवी। तो वैसे एक रूट ये है जो थोड़ा घुमा के वहाँ ले जाएगा, और ये शॉर्टकट है, रिस्की है थोड़ा, स्टंट टू स्टंट करके जाना पड़ेगा। अरे दे चल जाऊंगा मैं तो, चलो तो ये थोड़ा रिस्की वाला मामला हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, जिंदगी में रिस्क लेना चाहिए। मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसी चीज़ आगे निकलो, किसी चीज़ ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मेरे सहारे की सहारा तो मैं दे भी नहीं रहा। खड़ा क्यों है? मैं देखने के लिए खड़ा हूँ जो दिख रहा है। चल यार तू, थोड़ा रिस्की हो गया है रास्ता, तो यहाँ से चलो ना, वहाँ से क्यों जा रहे हो तुम लोग? अलका कहाँ गायब हो गई? खड़ी चढ़ाई है माता की। अबे यार दे दे, छोड़ दे छोड़ दे, कोई बात नहीं, मेरे बंदे ने देखा कुत्तों को तो करके बुला देते, बंदरों को क्यों नहीं किया? ये मोमेंट शूट करना चाहिए था भाई। तो शानू ने मुझे चैलेंज दिया, अगर मैं यहाँ से आ गया, कब दिया? अभी दिया है, तो शानू यहाँ से चल के गया है, देखते हैं गाड़े। तो शानू, अरे अलका कहाँ गई? यहाँ पर भी है, यहाँ आओ एक बार। अरे बंदर है यार, हाँ तुम दोनों कहाँ से आए? तो बस ये देखो, ये है नज़ारा, पूरा हरिद्वार दिख रहा है यहाँ से, देख रहे हो गंगा मैया पूरी दिख रही है, हर की पौड़ी, और ये सारा नज़ारा है भाई। ये देखो ये क्या हुआ तो ये नई मशीन मिली है भविष्य फल बताने वाली। क्या हुआ ये भी बता, ये कैसी मशीन भविष्य फल बताती है अंकल? ये तो कैसे ब्लड प्रेशर ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा बताती है? क्या बने? तो ये ट्राई करते हैं, हाँ इसे कान में डालो, हाँ इसे कान में डालो। 80 किलो वेट है मेरा, 80 से कम। तो ये भविष्यवाणी सुनने वाले हैं हम, तो राशि फल के द्वारा भविष्यवाणी बताई जाएगी। अभी जो भी आवाज कर रहे हैं ध्यान लगा, कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना, पूरी फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ये मशीन आपने बनाई है घर पे? मद्रास से। अभी मेरे साथ रह तो। किसके साथ? कॉल नहीं, फिर कल आई, फिर तुम्हारे साथ घर से टाउन रहने जाना पड़ेगा। मैं कितना जो मैंने लिखा ना वो बोल दिया, लिखा वही बोल दिया, फंसेगा नहीं आदमी। वो तो मैंने ही लिखवाया तेरे से।
हाँ तो सही है, अगर वो कोई लाइन ले देते हैं मुझे उसमें दिक्कत हो जाए। ये तो बता ही देगा, एक बात बोले अंकल, इसने हमारे नेचर के बारे में ना वो बताया जो हम ऑलरेडी आपस में डिस्कस कर चुके हैं। उत्तर देता एकदम सटीक दिया, एकदम सटीक। ये भाई वही बोलता है जो दिमाग के अंदर सोचता है इंसान, बस वही बात बोलता है। अच्छा, दिमाग के अंदर सोच रहा होता है। उत्तर देगा तो सही मशीन है इनका, बहुत सही मशीन है। बेवकूफ हमें चढ़वा रहा है खतरनाक खतरों के खिलाड़ियों पे, ये स्टीप चढ़ाई पे। मेरे ऊपर मत कूदना, चलो तीन तारीख है तो आज लग सकती है तेरे। अरे यार इसको पकड़ लेना डॉली को, सैंडल उतार दो ना। चलो ना इस, अरे सुनो सुनो, यहाँ से जाना है मानी। देख कहाँ से आ रही है, वहां से नहीं आ सकती है। आ गया कौन? कॉल आ गया, बात कर। बैंगलोर लिखना, बैंगलोर लिखना, बैंगलोर। तो गाइस ये देखो, पूरी बॉडी पसीने पसीने हो गया, बैठ के थक गए हम बुरी तरीके से, और अभी तक मंजिल हमारे हाथ नहीं लगी है। और मैं तो थक गया यार, पहाड़ पे चढ़ना आसान नहीं होता लिटरली। ये गर्मी में ट्रैवल करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो रिस्पेक्ट देम। थक गया मैं, कुछ शब्द भी समझ नहीं आ रहे क्या बोलूँ आगे क्या ना। देखिए लंगूर यहाँ पर इतने सारे, अभी नहीं है भैया, कुछ लेके नहीं है, प्रसाद ही है बस अभी। नहीं तो चना आपको खिला दीजिए, कुछ लेके नहीं मतलब प्रसाद ही लेके आए, चने नहीं लेके आए। ले ले चना बेच रहे हैं। कोई खिलाए तो बस। यहाँ बंकी है देखो, अरे सामान छीनने का कारोबार करते हैं। अरे भैंस ये राजा लग रहा है ये वाला मंकी तो। कैसे पी रहे शायद देख स्टाइल देख रहा है बस। ये नज़ारा है यहाँ का ऑटो पे आने के बाद, थोड़े यहीं रहते हो? हाँ यहाँ क्या रहते हो? चले चले चलो, दुखी कॉल आया तो दुखी है, अभी दुखी है। पहुँच गए हम लोग, पता चलो खुश किस्मत है ना, हर चीज़ का दुखी है। तो मुझे इसे माता के मंदिर पहुँच गए, यहाँ देखो ये है, अभी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हालत खराब हो गई पूरी तरीके से। ये देख लो भाई, तो यहाँ मंदिर पे आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे नज़ारे हैं, यहाँ कचौड़ी मिल रही है, यहाँ ऊपर मंदिर है, वो केबल कार है। तो भाई ये मंदिर का द्वार है, शाम पहुँच चुके हैं।
और ये इन्होंने यहाँ स्लीपर तोड़ने के लिए बोला है, बस दूसरे तोड़ के बारे में तुम यहाँ गए थे, तुम पहले बैठो हम आगे जाएंगे। तो बस ये फाइनली हम मंदिर पहुँच गए हैं और चढ़ाई यार बहुत कैडी पड़ गई पता है, हम 12 बजे के अराउंड वहाँ से निकले थे होटल से और अब पता है टाइम कितना हो रहा है क्या बताऊँ, 3 बज रहे हैं शायद अब, चलिए और 2:45 हो रखे हैं, काफ़ी लंबा टाइम हमने ट्रैवल कर लिया, 2 घंटे 1.5 घंटे के अराउंड वगैरह ट्रैवल कर लिया हमने और ये बहुत लंबा हो गया है। और ये द्वार है अंदर, आपको अंदर का दिखाएंगे पूरा, तो ये है मनसा देवी का द्वार। तुम सबको मेरे साथ तुमने तो तो ये मनसा देवी का द्वार है, सर्व मंगल कार्य सिद्धि के भगवान गणेश भगवान के चरणों में गणेशाय नमः। तुम यहाँ लग जाओ, यहाँ चले जाओ, तुम यहाँ चले जाओ, जय माता दी, ऊर्जा खत्म हो गई है लोगों की ऐसा लग रहा है। तो गाइस हम मनसा देवी के दर्शन करके आ चुके हैं इस टाइम, और हम नीचे उतर रहे हैं, ये देख लो नीचे उतर के जा रहे हैं, लेकिन नीचे उतरने में शायद ज़्यादा टाइम ना लगे और मंदिर के अंदर की वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि अलाउ नहीं था अंदर की सारी वीडियो शूट करना, मैंने गेट तक बना ली कोशिश करके लेकिन मंदिर मना कर रहे थे तो इसलिए अंदर तक की वीडियो नहीं आई, बाकी पूरा आपको दिखा दूंगा आगे का नेक्स्ट प्लान। और शायद अब हमारा जाने का दिल्ली का प्लान हो सीधा रेलवे स्टेशन वगैरह। तो गाइस मनसा देवी के तो दर्शन तो हम कंप्लीट करके आ चुके हैं, तो ये यहाँ से एग्जिट का शुरू था जहाँ ये तो अभी हम शायद होटल की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हम देख के आ चुके हैं, यहाँ पर हमारा सामान रखा है हम देखते हैं वहाँ पर। हर की पौड़ी कहाँ है, बस यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आरती के बारे में, शाम की आरती होती है अभी देखिएगा शाम की आरती किस तरीके से दिखाई देगा।
Thank you.
हो गया पानी नहीं निकलेगा ना नहीं निकलेगा वो हम हमारे गांव जाकर उसकी पूजन करके उसका पानी निकल के उसको सबको प्रसादी देकर बड़ा सा झमड़वा करेंगे अच्छा भोजन माता जल्दी चलो प्रसाद आने वाली है हाँ हाँ भैया भैया तो चलिए वो हमारा आएंगे लोटी का हाँ वो आएंगे कब आएंगे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारी वीडियो है ना मैंने बहुत सारी थोड़ा टाइम लगेगा अभी जो मटका हमने निकाला पीछे की साइड उसमें क्या था उसे सील पैक किया जाता है पूरी तरह के तो फाइनली आरती यहाँ पर ख़त्म हो गई है अब लोग अपने अपने जहाँ पर जहाँ से आए हैं कोई घर जा रहा है कोई गंगा स्नान करके जा रहा है तो कहते हैं आरती ही मेन है इसकी मतलब शाम के टाइम और सुबह के शाम आरती होती है शाम को 7 बजे आरती की जाती है यहाँ पर और मॉर्निंग में की जाती है 6 बजे के अराउंड वगैरह मॉर्निंग में भी इसी तरीके से 6 बजे अगर मुझे नहीं पता कितने बजे की जाती है मैं 4 बजे ही बोलता हूँ क्योंकि 4 बजे आरती यहाँ पर हो जाती है तो मॉर्निंग का मुझे एग्जैक्ट शेड्यूल नहीं पता लेकिन मेरा मैं शाम का सूट कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम था इसलिए 7 बजे जहाँ पर आरती होती है बस भाई आरती खत्म होने के बाद अभी जस्ट मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे एक बड़ा ही मतलब यहाँ एक खाने वाला मिला देखने में थोड़ा सही लग रहा था वो तो ट्राई करते हैं इसको देखते हैं और इसमें ना एक स्पेशलिटी है जो देते हैं ना उसमें पत्तल में ऐसे नॉर्मल पत्तल नहीं होते वो पत्ते के बने हुए पत्तल होते हैं तो वो थोड़ा अलग लगा मुझे डिफरेंट लगा मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार वीडियो में कि कैसे मुझे थोड़ा अलग और इंस्पायर्ड सा लगा मुझे ये देखिए हर जगह आपको ये हरे हरे पत्ते दिखेगा डिस्पोजल की वजह से ये हरे हरे वो रखते हैं पेड़ के पास डिस्पोजल खत्म खराब नहीं होता सड़ता रहता है ये पत्ता लगा सुबह खराब हो जाएगा तो यानी अगर खाना है तो तुरंत खा लो वरना उसके बाद वो फिक जाएगा पत्तल खराब हो जाएगा ना यार गल जाएगा डिस्पोजल का कैसे सारा दिन सड़ेगा ना कोई खाएगा फिर तो यानी ये कि एक वो है कि मतलब इस वजह से वो क्यों प्रदूषण नहीं करता पत्ते से हां एक गाय भी खा लेगी इसको डिस्पोजल खाएगी तो गाय बीमार होगी बीमार हो जाएगी ये तो बात है और वो प्लास्टिक का होता है चलिए मैं भैया से भी और जानता हूं इसके बारे में एक पत्ते का क्या राज है हां जी अच्छा मुझे एक ना वो बना दो ब्रेड पकौड़ा हां एक ही करना ठीक है इनको पूरा सेटअप हो रखे हैं यहाँ पर ये थे वो पत्ते जिनकी बात कर रहे हैं पत्ते के डोंगे बना रखे हैं उन्होंने पॉल्यूशन करी अच्छा किस चीज़ के पत्ते होते हैं ये जंगलों में मिलते हैं नहीं मतलब किस चीज़ के पत्ते होते हैं लड़के पत्ते होते हैं किसके लड़के जड़ के ये पत्ते होते हैं ये बोला गया कि प्लास्टिक वगैरह होता है यहाँ कूड़ा थोड़ा प्लास्टिक ना पहले इस वजह से इसको इन पत्तों का यूज़ किया जाता है ताकि डिस्पोजल ईजी होगा नेचर में तो हमारा ब्रेड पकौड़ा भी तैयार हो रहा है जब और क्या क्या भैया आपके पास बस ये कचौड़ी है ब्रेड पकौड़ा कचौड़ी ब्रेड पकौड़ा उसमें क्या जो आखिर में सब्जी थी रखी होगी वो क्या वो सब्जी थी ये तेल है वो कौन सा ये हाँ मीठी चटनी जी मीठी चटनी है इसमें झाग सा आ रहा था तो मुझे लगा शायद केचप का है नहीं नहीं अरे भाई ये ग्रीन चटनी और ये सब्जी है ये भैया तैयार कर रहे हैं हमारा अच्छा भैया यहाँ पर एक कुछ ऐसा वो मिलता है ना मतलब जिसे वो बोलते हैं कि जो गले वले में से मलगम वगैरह साफ कर देता है वो क्या बोलते हैं उसको
कचौड़ी के साथ एक दवाई सी होती है वो। कचौड़ी मतलब क्या? हाँ मैंने एक्चुअली वीडियो वगैरह में देखा था, यहाँ पर मतलब किसी तरह के पत्थर में कुछ दिया जाता है। नहीं नहीं होता है मसाला चटपटा स्टार्ट करके तैयार कर दिया। देख के तो पानी आ रहा है लेकिन पता भी है तो मेरी तबीयत और ₹30 ना ₹30 ये रात का डिनर हो रहा है हमारा, देख लो शानू यहाँ खा रहा है। शानू कैसा है खाना? शानू बोल खाने के बाद होगा। खाने के बाद हम्पी भी खाना ले रहा है अभी, हम्पी बोल रहा है खाने के बाद। और भाई तुझे पूछो कैसा लग रहा है खाना? खाने के बाद मैं चुपचाप छिदवाऊंगा। और ये यहाँ पर शिवजी खाना खा रहे हैं, कैसा है खाना? ठीक ही है, मस्त है। अलका के बाल झड़ रहे हैं इसलिए वो खाना खा रही है, वरना वो खाना नहीं खाती। और ये है खड़ूस। कैसा लग रहा है खाना? क्या ये जला हुआ दे दिया मुझे? कुछ अरे यार मैं लस्सी पीऊंगा बस, मैं कोई रिश्ते नहीं, अरे मैं रिश्ते लेना चाह रहा फिर फालतू की लूज मोशन वगैरह की बस में। हाँ हाँ हुआ था ना, मैं घर में कितनी बार गया जब वहाँ था रूम में, तभी उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं खाया। सुबह तुमने दवाई खाई थी उसके बाद गया तू? हाँ एक बार इसी का तो डर लग रहा है। ये देखो ऐसे खा रही है, बंद कर यार।